वक्त मैं मौजूद हूँ कुमराठ वैली में, और कराची से मैंने यहाँ पे सोलो लोकल बसेस में ट्रैवल किया है। कैसे ट्रैवल किया है वो इंशाल्लाह अभी आप व्लॉग में देखेंगे। पैकिंग करते वक्त कैमरा एक्सेसरीज और ज़रूरी सामान को इस तरह से पैक कर लिया कि पैक कैरी करना आसान हो जाए। तो जी, सफ़र हमारा शुरू हो गया और रक्शे का बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद बस स्टॉप की तरफ जाते हैं। वहाँ से इंशाल्लाह फिर कुमराठ के लिए निकलेंगे। सबसे पहले तो अभी रक्शा ढूंढना है हमें। कराची से कुमराठ जाने के लिए पहले दीर या तिमरगेरा जाना पड़ता है। सोहराब कोट से बस का टिकट मिल गया था। दीर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि तिमरगेरा से कुमराठ जाने की गाड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सोहराब कोट से डेली सुबह 11 बजे बसेस निकलती हैं और बसेस काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कराची से दीर तक का सफ़र तकरीबन 24 घंटे का है और बसेस काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, तो सफ़र का ज़्यादा पता नहीं चलता। सफ़र मेरा खाते पीते या फिर किताबें पढ़ते या फिर सोते हुए गुजर रहा था। सुबह फजर के वक़्त हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। यहाँ हमने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया। सफ़र में जो फजर की नमाज़ है वो पता नहीं क्यों हमेशा याद रह जाती है। अभी मज़ीद 2 से 3 घंटे का सफ़र रहता है और हसीन और दिलकश नज़ारे सवात मोटरवे पर देखना शुरू हो गए। आए कुछ रास्ते के नज़ारे देखते हैं। तिमरगढ़ा पे पहुंच गया हूँ मैं और अभी बस स्टॉप पे अभी भी उतरा हूँ। तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। कराची से 11 बजे बस निकली थी और अभी यहाँ पे 7:30 बजे हैं, तो बस स्टॉप पे पहुँचा हूँ। यहाँ से अभी गाड़ी पकड़नी है थल के लिए। नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर थल की तरफ निकलते हैं, फिर थल से हमें गाड़ी मिल जाएगी कुमराठ के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम कोई गाड़ी ढूँढते हैं जो हमें कोई गाड़ी मिल जाए। वैसे यहाँ पे आप प्राइवेट गाड़ी भी बुक करा सकते हैं और आपको जो है वो शेयर्ड बेस के पर भी गाड़ी मिल जाती है, जो अगर आप जाना चाहें कुमराठ की तरफ। तो पहले आपको यहाँ से अगर शेयर्ड बेस गाड़ी पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप पहले थल जाएं। थल से फिर आपको मोटरसाइकिल भी मिल जाता है, जीप भी मिल जाती है जो आपको कुमराठ छोड़ कर आती है। तो पहले नाश्ता करते हैं फिर आगे निकलेंगे। सीन कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ से एक लोकल गाड़ी मिल गई जो मुझे यहाँ से थल तक छोड़ेगी। थल से आगे फिर मुझे वहाँ से गाड़ी करवानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बुकिंग की गाड़ी लेकर जाते हैं तो अगर आप 3-4 या इससे ज़्यादा पर्सन हैं तो को परेशानी की कोई बात नहीं है। तिमरगेरा से भी आपको डायरेक्ट बुकिंग की गाड़ी डायरेक्ट कुमराठ के लिए मिल जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फिर 2 या 3 गाड़ियाँ आपको चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ से सबसे पहले आपको थल जाना पड़ेगा, फिर थल से आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी।
कराची से मैंने तिमरगरा तक का सफ़र किया था। तिमरगरा लूर दीर के अंदर आता है, वहाँ से मैंने थल जाना है जो कि कोहिस्तान के अंदर आता है। तो कुम्हराट जो है वो कोहिस्तान रीजन के अंदर आता है जहाँ तक मैंने ट्रैवल करना है। पातरक पर आकर मैंने यहाँ पे तीसरी गाड़ी चेंज की। वैसे मुझे गाड़ी थल पर जाके चेंज करनी थी मगर यहाँ से सीट खाली मिल गई और जो गाड़ी डायरेक्ट कुम्हराट भी जा रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ से ही गाड़ी ले ली। जो मेरा प्लान ट्रिप था वो यही था कि मैंने कराची से दीर, दीर से थल आना था और थल से यहाँ पर जो है वो कुम्हराट के लिए गाड़ी लेनी थी। मगर क्योंकि गाड़ी मुझे पहले से ही खाली मिल गई तो मैंने थल के बजाय पातरक से ही गाड़ी ले ली, तीसरी गाड़ी। पातरक से आगे कुम्हराट तक का पूरा जो रास्ता है बहुत ख़राब है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थल पहुँचते ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आने लग गए हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ भी नज़र आ रही है, हालांकि मई का महीना है। थल से आगे का सफ़र ज़्यादा मुश्किल है, वैसे कुछ लोग ये पैदल भी कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है थल से कुम्हराट का, तो अगर आप कुम्हराट पहुंचना चाहते हैं तो थल से आगे बाइक भी मिल जाती है, आप पैदल भी सफ़र कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। काफ़ी देर से पश्तो गाने सुन रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे, और क्योंकि म्यूज़िक अच्छा लग रहा है तो इसलिए सुनने जा रहा हूँ। कोहिस्तान में इंटर होते ही पंचकोरा रिवर रोड के साथ साथ चलता है, कभी दाएँ और कभी बाएँ। कुम्हराट की ख़ास पहचान यही पंचकोरा रिवर ही है। पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया और पहला दिन बड़ा ही मुश्किल गुजरा। धीर से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा है, अभी बस पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हैं कुम्हराट, थोड़ी देर अभी से आराम और सुकून करते हैं और फिर घूमने की तरफ निकलेंगे। काफ़ी थकावट हो रही है, पहले थोड़ी सी चाय वाय पी लें और आराम सुकून करके फिर निकलते हैं। ठंड लग रही भाई, मैंने तो आते साथ ही यहाँ पे आके जैकेट पहनी, और कराची में तो इतनी गर्मी थी कि गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, और यहाँ आते साथ ही अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी से यहाँ ठंड शुरू हो गई, पता नहीं रात को क्या हाल होगा। यहाँ लगी कुदरत ऐसी है कि अभी मैं पहुँचा हूँ, धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, बारिश के कतरे कतरे गिर रहे हैं अभी यहाँ पर। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ठंड भी और बढ़ती जा रही है, और पानी यहाँ का, ये पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पे भी मैंने सोलो ट्रैवल किया है, तो सोलो से पहले मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ना मेरे साथ ट्रैवल करना था। अब हमेशा होता ये है कि जब भी आपने ट्रैवल करना हो, सोलो ट्रैवल करना हो या दोस्तों के साथ ट्रैवल करना हो, तो उससे पहले आपके दोस्त आपको बहुत बोलते हैं कि भाई मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, तो वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ही रह जाते हैं। तो यार मेरी उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने मुझे स्पेशली मुझे कहा था, उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई व्हाट्सएप से बाहर निकलो और अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती, इसके बारे में बस कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें
कोई मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों से ज़रूर गाइड भी शेयर करूँगा कि यहाँ तक अगर आपने सोलो आना है तो कैसे आया जाए, अगर आप बाइक पर आना चाहते हैं, गाड़ी पर आना चाहते हैं, इवन अगर आप इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट रास्ते अगर आपको चाहिए तो मैं सारी की सारी गाइड आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो जगह है ये रेस्ट हाउस कहलाती है। थल से अगर आप आते हैं तो तकरीबन एक घंटे की ड्राइव के बाद आप इस जगह पर पहुँचते हैं और इसको जो है ना वो रेस्ट हाउस कहा जाता है। यहाँ पे आपको हट्स भी मिल जाएंगे, आपको टेंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने साथ टेंट लेकर आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपना यहाँ पे टेंट भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। इवन जून एंड जुलाई के अंदर भी रात को काफ़ी ठंड होती है। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का निज़ाम भी है। यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स बहुत वीक हैं, सिर्फ एक दो कंपनीज़ के यहाँ पे सिग्नल आते हैं, और बेहतर है कि यहाँ पे मोबाइल का आप अपना बंदोबस्त कर कराएं। टोटल जो है मुझे कराची से यहाँ तक आने के लिए पहले मैंने 24 घंटे का ट्रैवल किया दीर तक, और दीर से फिर मैंने यहाँ आने के लिए जो है वो गाड़ी जो है वो यहाँ पे बुक कराई। दीर से आपको ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ कुमराट के लिए निकलती हैं, कुमराट के लिए भी और थल के लिए भी, तो आप अपनी फिजिबिलिटी देख लीजिएगा। आप थल तक भी आ सकते हैं, थल भी थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, थल से फिर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ वैसे पैदल भी आ जा सकता है, मगर पैदल आने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। हाँ तो कैसी लगी ये जगह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम अपना एपिसोड 1 एंड करते हैं, और इसमें हमारा जो कराची से लेकर कुमराट 0 पॉइंट तक का सफ़र है, इंशाल्लाह पे बाकी की आगे की जो भी होगी वो तो बाकी एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।